नमस्कार, वेब दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। क्या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की तैयारी में गृह मंत्री अमित शाह? भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के देश का नए गृह मंत्री बनते ही एक बार फिर संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर बहस तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर को लेकर संविधान में इन दो विशेष उपबंधों को लेकर लंबे समय से राजनीति खींचतान चलती आई है। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का वादा किया है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने अपने भाषणों के जरिए लोगों को इस बात का भरोसा भी दिलाया था कि केंद्र में फिर मोदी सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर को जो 370 के तहत विशेष दर्जा मिला है वो खत्म होगा। अब जब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने देश के गृह मंत्री का कामकाज संभालने के बाद सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ बंद कमरे में बैठक की तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इधर आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से जुड़ी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार अमित शाह के बैठक करने के बाद चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि क्या शाह अनुच्छेद 370 को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। ऐसे में जब इस साल के अंत में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तब क्या मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेकर उसका राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कर रही है? ऐसी चर्चा इन दिनों राजनीतिक गलियारों में शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जोर शोर से अनुच्छेद 370 को हटाने की जो बात कही, माना जा रहा है कि उसका सीधा लाभ पार्टी को चुनाव में मिला है, जिसके चलते पार्टी ने जम्मू क्षेत्र की दो लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। माना जा रहा है कि जम्मू क्षेत्र के लोगों ने भाजपा के धारा 370 को खत्म करने के वादे पर उसका समर्थन किया है। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना कह चुके हैं कि उनकी पार्टी संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर अपने बल पर सूबे में सरकार बनाएगी। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनावी साल में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के बारे में कोई बड़ा निर्णय ले जिसका सीधा असर चुनाव पर पड़े। जब जम्मू कश्मीर दो अन्य रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में है, ऐसे में अगर नई सरकार अगर इस दिशा में आगे बढ़ती है तो जम्मू कश्मीर में वोटरों का ध्रुवीकरण साफ देखने को मिलेगा जो चुनावी नतीजों पर असर डालेगा।